अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने का। मेरा नाम कैफ गजनवी है और आज हमारे साथ बहुत ही एक यूनिक ग्रुप मौजूद है, लोग मौजूद हैं। उनकी बातें आपको इसलिए यूनिक लगेंगी क्योंकि वो एक ऐसे गायकी की रिवायत को चला रहे हैं जो कि हमारे इस खित्ते में अनगिनत सालों तक पीछे आपको ले जाता है, और उस तारीख को समझने ही के बाद आपको पता चलेगा कि जिस खित्ते में आप हैं उसकी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी सकाफत के साथ जुड़े हुए हैं, उसका असल में उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी रिचनेस क्या है, उसका उसकी डाइवर्सिटी और एक होना क्या है। तो मैं वेलकम करती हूँ भगत भूरेलाल को और उनके ग्रुप को। उनके साथ श्याम भाई हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का मेरे गरीब खाने में। नहीं नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी, हम फकीरों को इधर बुलवाया है। हम बड़े खुश नसीब आपके दर्शन किए हैं और आपके इधर आए हैं। और भगत जी, आप भी सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब दें कि ये फकीर आप अपने आप को कह रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, फकीर जैसे हमारा संत होता है, सूफी संत होता है, उनकी भक्ति है जो आत्मा से होती है। फकीर उनको बोलता है, उसी को कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे इंसान थे वो भी। और उन फकीरों को लिए जो इंसान है वही भगवान होता है, जो अंदर बैठा है वो फकीर उन्हीं का जिक्र में रहता है। जो उन्हीं का जिक्र करता है उसी को पता लगता है ये भगवान है। तो ये उसका मुर्शिद या गुरुदेव वो उनको बताता है। तो ये इसी के अंदर की बात है, होंग सोंग जिसे चलता है उसे वो बताते हैं। वो है सच्ची भक्ति जो गुरुदेव सिखाता है उनको, वो गुरु बताता है। फिर उनको संत बोलो, फकीर बोलो, साधु बोलो, जो भी बोलो। तो आजकल जिस तरह हमारा शहर का माहौल है उसमें हम फकीरों को और साधुओं को बहुत अलग तरीके से लेते हैं, जी उसका मानी इधर बदल गया है शहर में। जी जी हाँ यहाँ पे कोई फकीर घूम रहा होगा साथ हाँ, में मांगने तो वाले फकीर उनको कुछ बोलेंगे और। हाँ ये फकीर तो बोलेंगे। आप लोगों को क्या होता है जब ऐसा कुछ सवाल, क्योंकि अब आप लोग हम लोगों के साथ मेलजोल शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें आप लोगों की हम तक रसाई है, हमारी आप लोगों तक रसाई है। तो जब आप ये सुनते हैं यहाँ के, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या क्या लगता है फकीर यहाँ पर और फिर आपकी एरिया में, आपकी डिसिप्लिन में जो है? जी, फकीर को तो इज्जत बहुत मिलती है। एक तो ये सच घूमने वाले फकीर, वो तो मांगने वाले फकीर। ये हम जो फकीर हैं या हमारे दूसरे इधर बड़े बुजुर्ग फकीर हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, वो मुर्शिद के ध्यान में रहता है। और उसी को ये कोई दूसरी लालच नहीं होती। फिक्र सबको खात है, कबीर बोलता है, फिक्र सबको खात है, फिक्र सब का पीर, और फिक्र की फकीर करे ता को नाम फकीर। वाह, जो फिक्र जिसको फिक्र खा जाए उसका नाम फकीर, फिक्र की फकीर करे ता का नाम फकीर। क्या बात। कभी महात्मा ने ऐसे फकीर हो गया, ये मतलब अभी तो एक दरगाह में कोई चरस पीने वाला फकीर हो गया साईं, और जो चरस पीता भंग पीता हो सा फकीर उधर बैठे जाओ सुल्फ में लेके, ये फकीर नहीं होते। फकीर तो फना हो जाता है, उसी को फकीर कहते हैं जो अपनी आत्मा को पहचानता है, अपनो आप पहचान ले। जब उनको पता लगेगा फकीरी क्या है, तो सारों में प्रेम, अंदर से प्रेम प्रकट होगा जब भी आप फकीर बनोगे। सही, मोहब्बत प्रेम होगा तो अगले को पहचानोगे। तो ये हमारा प्रेम है, मोहब्बत है, इसी को फकीरी। और फकीरी आपको चुनती है या आप फकीरी को चुनते हैं? हम तो खुद फकीर को, फकीर था ही, फकीरी बनने की एक बड़ी बात है। ये तो बस जो ऊपर से जो मालिक की अमानत होती है, फकीर फकीर का नाम एक बड़ा होता है। पर हम उसी राह पे चल रहे हैं, बस कोई नसीब हो गया नसीब। आप शुरू से गायक थे? अच्छा, जी नहीं, शुरू के जो गायक में था, गायक मेरा वालद साहब था। वालद साहब बोलता है कि तो मेरा वालद साहब मतलब भजन गाते थे कबीर के, ये फिर मेरा वाले साहब भी गाता है। तो उस टाइम पे हम छोटे छोटे थे, वो तंबूरे पे गाता है। क्या आपके वालिद साहब का नाम? धन्ना भगत। धन्ना भगत जी हाँ। तो वो तंबूरे पे रात को बैठ के ऐसे मत्स्य भुई दुखाते थे, तो
सियारे में सर्दी में तो फिर वो सारे इकट्ठे होकर बैठते थे, फिर वो कहानी सुनाते थे, गाते थे कृष्ण लीला राम लीला ये सारी बांट बोल की कथा सुनाते थे। सही। कबीर के भजन भी गाते, हम उसके पास मंजीरे बजाते थे। शौक हो गया, इश्क हो गया, मैं भी सीखा भजन। पहले मैंने तंबूरे पर भजन गया कबीर साहब का, वो मेरे वाले साहब थे, कबीर साहब का भजन था, तेरी तेरी गठड़ी में कैसा माल भरिया, लवंग सुपारी गांजा मिश्री, साधु खोलो मुसाफिर गठड़ी। गागे सुनाइए ना। गागे सुनाओ। ठीक है। तेरी तेरी गाठड़ी में कैसा माल भरिया, लवंग सोपारी गांजा मिश्री रे, साधु खोलो मुसाफिर गठड़ी। वापार करो तो बंदा आनी दइए कार जो, अगल नहीं रे दूजी हटड़ी रे, साधु खोलो मुसाफिर गठड़ी। तेरी तेरी गाठड़ी में कैसा माल भरिया, लवंग सोपारी गांजा मिश्री रे, साधु खोलो मुसाफिर गठड़ी। आयु बूटा पने लड लोडाया, जुवानी में की बहु झकड़ी रे, साधु खोलो मुसाफिर गठड़ी। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, साचा गुरु की पायू पकड़ी रे, साधु खोलो मुसाफिर गठड़ी। तेरी तेरी गाठड़ी में कैसा माल भरिया, लवंग सोपारी गांजा मिश्री रे, साधु खोलो मुसाफिर गठड़ी। क्या बात, कितनी प्यारी तर्ज है, इतना स्वाद है इस तर्ज में। ये हमारे वालिद साहब बोलो कि मेरे दादा के ये रंग में गाता, तो वो उससे मैं ये धुने ये चीज रखी है, कोई भी इसमें हमने मिलावट कुछ भी नहीं है, जैसे वालिद साहब गाता है ऐसे। तो वो भी एक तारा लेते थे, तंबूरा। हाँ, ये मैंने बनाया, ऐसे तंबूरा बन गया। ये आपने खुद बनाया? जी हाँ। कैसे बनाया? मजे का लग रहा है। ऐसे कर ये हो गया एक तारा, एक तार पे बजाना, खिता लेके वो सारा सामान दूर पड़ा, ये गिटार हो गया और ये ऐसे तंबूरी बन गई। सही सही। इसमें चार तार पांच भी लग सकता है। हाँ। हमने तीन तार अभी लगाए हैं। नहीं बहुत है, तीन तार तो हमारे तार। ये कुदम बने अपना सब्जी पकाने वाला कद्दू है। अच्छा, देखिए क्या बात है। ये कद्दू है, कद्दू को ऐसे काट के फिर ये बकरे के चमड़ा लगाते हैं। हाँ जी। तो ये आपने खुद बनाया? हाँ, मैंने खुद बहुत बनाए, लाउती पे लेके आया था, बहुत छोटे छोटे बड़े वाला ऐसे। अच्छा, अरे मुझे भी चाहिए एक। मैं बजाना चाहूंगी इसे। हमारे तो इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया जिसमें हम लोग इसके अंदर तानपुरा लेते हैं और उसमें बजाते हैं। आपको देखे जाएंगे, अकेले हम दूसरा बना लेंगे। अरे नहीं, हमारे पास बहुत पड़ा घर। हाँ नहीं नहीं, मैं आपसे लूंगी आके, खुद लूंगी मैं आके। दिवाली पे आना पड़ेगा हमको। मैं आऊंगी आऊंगी, एक दो बार तो पहले आई हूँ। प्रोग्राम होता है दिवाली। हाँ हाँ, जब आना। दिवाली कब हो रही है आप लोग? दिवाली तो अभी देर है, अगले साल ना? नहीं नहीं, दसवें महीने में, तो यानी एक महीने बाद है। अगला सितंबर है, अक्टूबर है ना दसवा महीना? नहीं नहीं, क्या दिवाली दूर दसवें में, ग्यारह में, दस में ग्यारह में। अच्छा, उसी में हमारे सारे हमारे जो है ना इलाके के लोग आते मेरे। सही। दिवाली आपके आपके गांव में? और सारी रात दिन हमारा संगीत चलता है, गाना भजन चलता है वहाँ, मिले जुले जो भी लोग। सही सही। तो वो भी संगीत, भक्ति संगीत? भक्ति संगीत बिल्कुल, सारे आएंगे बस,
ख्वातीनों सारे हम सारे इकट्ठे मिलके बच्चे ये वो कुछ अवार्ड देते हैं बच्चों को। अच्छा। पढ़ने पढ़ने वाले पर लोग चार दोस्त लेके आते हैं अवार्ड। हाँ। मेरे घर पे जो बच्चे अच्छा गा सकता है या पढ़ सकता है या को डांस कर सकता है फिर उनको अवार्ड देते। अच्छा। हाँ। तो क्या अवार्ड देते हैं? जो भी आया को लेके आता है अपनी तरफ से, कोई कपड़े का गिफ्ट लेके आ गया, कोई जूती लेके आ गया, कोई थैला लेके आ गया, कोई ऐसा कप लेके आया छोटा भाई इसने बहुत अच्छा काम किया उनको कप दिया तो उसकी बड़गा मैंने कप खटा ये करा। ये तो बहुत अच्छा है, उनको बड़ा एनकरेजमेंट मिलती होगी। हाँ, वो मैं 12 महीने ये 12 महीने पहले मेरा ये मेरे प्रोग्राम करते जाते जो पैसा मुझे मिलता था, एक तो हम फकीर हैं जो सारे इकट्ठे मिल के लेते हैं। फिर जो उसी में मेरे को नंगर निकालना होता तो मैं सारे बच्चों को खुला करके 2-3-4 हजार देता हूँ। अच्छा। और एक मेरा उस्ताद ने बोला मीर खान भगत ने, उसने बोला ये ऐसे नहीं करे बच्चा ही 10-10-20-20 रुपए दे रहा है दुकान पे ये तोड़ ले, वो उसी का जो पैसा वो रख ले, 12 महीने उनको लेके कुछ दे। सही। हाँ। तो मैंने कहा हाँ दिवाली पे प्रोग्राम मेरा था कि बाबा इकट्ठा कर, फिर अभी जो भी प्रोग्राम होता है मैं उधर जाके 2-3 हजार रुपया रख लेता हूँ। हाँ। जब भी दिवाली आते है सारा सामान लेके बच्चों को फिर वो ही दे देते, उसे 10-10 रुपया दे दो लेके खा जाते। हाँ, नहीं नहीं वो तो जाया हो जाता है, जाया हो जाता है। उसी में कोई चीज मिलती है उनको खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है। हाँ, आगे बढ़ता है कि मुझे मेरे बड़े ने वो दिया है, वो दिया है तो लोगों के साथ इन वाले साहब ने सारा ताली लगा रहे हैं उनके देर को। तो ये बहुत अच्छी रिवायत है कि बच्चों को आप एक दो चीजें आप सिखा रहे हैं, एक कि वो कुछ कर कर करके दिखाएंगे, कुछ अपना आगे बढ़कर दिखाएंगे तो आप लोगों की तरफ से उनको इनकरेजमेंट मिलेगी, साथ सहायता मिलेगी जिस तरह कहते हैं, और दूसरा ये कि कैसे पैसे को बचाकर और एक अपने लिए चीज बनानी है जी जी। सिर्फ उसको उड़ा नहीं देना, तो ये तो बचपन से आप बड़ा अच्छा उनको सीख दे रहे हैं। बस पहले मेरे वाले साहब करता था। हाँ। उनके पीछे वो चला गया तो फिर भी मैं जो काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपके उस्ताद जो हैं वो आपके पहले तो वालिद साहब थे, उसके बाद अभी आपने एक और संगीत का उस्ताद, उनका नाम क्या लिया आपने? रजब रजा। वो हैदराबाद के, तो आप हैदराबाद जाते थे उनसे? हाँ, हैदराबाद जाते थे, वो मेरे पास आता था कभी नहीं जाता था। अच्छा। और ऐसे तो मैं रूहानी मेरा उस्ताद मोहन भगत है। अच्छा। और मेरा मनोई था भगत, मंगा भगत। अच्छा। उससे मैंने सीखा है, और माँ जी भगत है, उससे मैं बचपन में मुझे जब छोटा था मैं हम बाहर चला थे गाय बकरी जाता था चारने के, फिर माँ जी छोटा था वो पढ़ा लिखा था सारा, हम अनपढ़ स्कूल में भी एक दिन नहीं गई। सही सही। तो लेके जाते उन्होंने बोले का ये तेरा वाले सब जैसे गाता तू गा। हाँ। तो मेरे पास तंबूरा माल बकरी चला उधर किधर होता, फिर क्या कर लकड़ी के तार बांध के ऐसे उसमें बस लोटा लगा के तंबूरा बना के उधर आए, जब लकड़ी छोड़ देता था उधर जिधर माल बैठा लोटा दम खींचे में डाल के ले आकर। अच्छा। फिर ऊपर बैठ के तंबूरा तेरी तेरी गठड़ी में कैसा माल बन गया। सही सही सही। तो उसी हमारे चमड़ा भोली गोट उधर पे ये बनिए का ये सिख रहे थे, ये अभी ये जो दोनों मुल्कों का हो गया ना तो वो छोड़ के चला गया। अच्छा। तो उधर बहुत जगह पुरानी वो गिर गई बरसात में, फिर ऊपर हम बैठ के ये भजन सुनाते थे। सही। बरसात बरसात पड़े या उधर माल रहते थे फिर हम ये भजन गाते हुए सीखे। और आप भजन की जो सदा होती है वो तो मेरा ख्याल है आप लोगों का इतना क्योंकि इतना खुला होता है इसमें करना, तो आवाज हम में से हमारे दरगाह या दरगाह में भक्ति में जाते खड़ा होकर फिर ऐसे गाते मस्त हो गए। हाँ। शेर का मेरा उस्ताद था फकीर रामलाल, वो शाम को 7 बजे शेर बंद, सुबह को 7 बजे छोड़ता, इतना नाचता कुछ नहीं होता। अच्छा। हमसे इतना नहीं नाचा जाता है, पहले मैं भी नाचता दरगाह में बोला शाका कलाम या ऐसे गाते हुए कबीर का फिर नाचते दरगाह में, कोई मेक या कोई ये नहीं होता, अभी सारा सिस्टम हो गया, मेकू का थोड़ा बात करो दूर चल जाती है आवाज। हाँ हाँ। वो टीवी का कुछ नहीं था हमारे पास, ना रेडियो था ना टीवी का कुछ भी नहीं। रेडियो मेरे वाले साहब लेके आया, छोटा सा रेडियो लेके आया, वो सर्दी में खोल के चालू बैठा हुआ हवादारी फतेह खान सालेमा में छाकी कचारी सुनता। अच्छा। वो रेडियो में आवाज आई,
ये आदमी कहाँ से बोल सच्ची मेरी अपनी सच्ची बात बता सही तो वाले साहब ने एक दिन चला के मैंने किया ये दो इसमें लोग किधर बैठे हाँ मैं अपनी भाई कचहरी सुनेंगे खबर ऐसे लेके आते क्या होगा क्या होगा रेडियो ऐसे खोल के वो बटन था बड़ा सिर लगता था टांके टूटे अरे एक भाई की एक्सीडेंट मेरी अम्मी ने बोला कि इसने फिर मेरे वाले साहब उधर भागा क्या करे मेरे सामने तुम बोला कचहरी में लोग अंदर बोलते रहे थे कहाँ बोलते मैंने वो तुमको देखा मिला ही नहीं हुआ था अरे पागल ही रेडिया है तो फिर तो पता लगा रेडिया उसके बाद आ गया टेप आ गया तो हमारे पास एक उधर मेव था बाघ का वहां पर आम के वो ऐसे ऐसे टेप मना था खाली टेप रेडियो नहीं था लंबा टेप था उसे बटन लगा के तो गाना चल रही तू जी बोलता वो गाना चल रहा है इसमें हाँ उसने बोला कि मैं गाता हूँ अभी वो सही हूँ मेरे चन्न का बुखारी ये उसने पहले पहले वो घर का होगा झगड़ा सही हूँ मेरे चन्न को बुखार ये उसने भरा तो फिर रिवर्स कर चलाए अरे ये जैसे बात कर रहे ऐसी ऐसी में आवाज अरे ये क्या वो लगे तुम बात करो तो हम हमारी कोल की गुजराती है हाँ। उसमें हमने एक दूसरे बात भाई आम चूट के लेके आए अले चौथी लाओ सू लाओ तो क्या करो छो ए हाँ तो हमने वो रिकॉर्ड कर लिया फिर वो रिस्क करके बात कर रहे हैं तो अरे भाई हम इसी बात कर हम तो क्या है बड़ी बात होगी सर फिर तो टेप लिया हाँ। अभी आया मूवी का दौर तो हमने बोले फोटो निकालते धोने के लेके जाते थे उन्होंने बोला भोलू नाम था उन्होंने बोला कि अरे भगत जी अभी फोटो नहीं अभी मुई आ गई है तो ये क्या होगा आपका तस्वीर ऐसे आएगी टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में तब थी उसके उसी में तुम्हारी तस्वीर दिखेगी सही हाँ तस्वीर दिखे तो उसने मेरे को मुई में भर के अपने टीवी में लगा दिया अरे मैं हाँ यार मैं और एक माल जी भगत हमारे पकाता था उसी हम बोले सही है ये हमारे भक्ति उसमें लेके आए ठीक है लेके आए जैसे हमारे वो भक्ति में लेके आए हमारे को पता ही नहीं है क्या है वो सारे ऐसे मुझको ऐसे करे उम्र क्या करने वाला है तो सारे उनको फूल और चावल लेके वही वाले बोले कि यार ये तो पागल लोग है क्या अरे भाई ये तो उम्र क्या करे टीवी में हम चले तो अभी तो हम जिंदा है हाँ सच्ची बात है बिल्कुल और मजे की बात है तो हमारे भक्त ये ऐसे कैसे होगा थोड़ा तो तू उसने भर के उसमें लगा के टीवी देखा अरे भाई ये तो उम्र काया हो गई जो राजा भरत है ना उम्र काया ये तो उम्र काया बता हम मरेंगे नहीं कि नहीं भाई ये तो खत्म ही नहीं होगे तुम भले मर जाओगे फिर ये चले ओ भाई ये तो भगवान है सारे सारे वो फूल लेके उधर आके उसको जैसे भाई बेटा ऐसे को सारी नमस्कार कर लो वो मतलब क्या कर रहे हैं कि भाई ये तो भगवान है उम्र का क्या कर रहे हैं हमारी कितना तो अभी उन्हें पता लग गया अभी तो साईं ये टीवी आ गई ये मोबाइल कैसेटे वीसीआर की आ गई सब कुछ अभी आया मोबाइल मोबाइल आया तो हम जब मंडी में प्याज लेके जाते उधर नीपू खास तो मुला नूर अहमद वो कराची से मोबाइल ले गए इतना बड़ा मोबाइल अभी ये फोन ये नहीं काम देगा ये करेगा अरे भाई ये सब पागल ऐसे क्या ऐसे करेगा वो बोला कि भाई मैं कराची से निकल रहा हूँ तो आवाज आ रहा है ये क्या वो लेकर हम सारे देखने गए कि क्या फोन कैसा है तो मीरपुर में उस समय टेम में टावर नहीं लगा हुआ फिर ऐसे महीने दो महीने में आ गए मीरपुर का टावर फिर सारों ने मोबाइल लिया फिर मेरे को भी सेट में लेके दिया मोबाइल इस्माइल आरती था उसमें मकसूद इस्माइल अपना ये सुना तो गा अच्छा उसने मुझे लेके दिया मैं गांव में लेके आया सारा देखने आया ये क्या है मैं उसे कहा साय अभी कितना प्याज खरीदनी है पागल ये क्या कर तो हमारे पास मोबाइल सारा देखने आते थे क्या कर रहा
और पहले पहले मैं मेरे को बोले तू जा डिग्री साइड में उधर प्याज देख क्या कैसा प्याज है। मैंने ठीक है सर, मैं बड़ा मोबाइल था इधर इधर लगा पड़ा, आधा ऊपर आधा नीचे बत्ती ऐसी जल रही, टू 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 सारे लोग देख रहे ये क्या। मैं प्याज दे के उधर लेके अभी कोस्टन में बैठा के गाड़ी में, तो मैं से खड़ा हुआ था गाड़ी में खड़ा हुआ था, तो जैसे मेरे जेब में साहब आरती ने फोन किया घंटी तीन बजे, मैंने इसे उठा गया, हेलो मैं सर मैं यूरोप पहुंच गया। उन्हें ड्राइवर ने साहब देख लिया कि भाई को ये तो बड़ा बड़ा लोग है भाई। मैं खड़ा था मुर्गे सीट पे बिठाए को उठा के भाई बैठ सर इधर बैठो। ये फोन का वैल्यू था। सही सही। फिर मेरा वो घर चला गया तो फिर आया ये सिम वाला नंबर, उसने बोला कि अभी ये लैंड वाला नहीं है, अभी सिम अपनी लगाओ निकालो। तो सारे बोले कि रे ये बुला पागल, फिर ऐसे हो सकता है नहीं है। फिर वो भी आया, अभी तो सही है, फोटो निकालते इसी में सारा निकल रहा है, सब कुछ यही हो जाता है पूरी दुनिया से। आपने कितना एक ट्रांजिशन देखा है आपने, कैसे कहाँ से शुरू हुए, पहले रेडियो था उसके अंदर कैसे आवाज आ रही है, फिर आज मोबाइल पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मरहले आपने तय किए हैं जी जी। जो कि उस वक्त के आज के शायद जो हमारी यूथ है जो हमारा जवान है उसको शायद ये मरहला समझ नहीं, में नहीं आएगा जो आप लोगों ने किया। हमने तो जब खेती करते थे उस टाइम में हलर चलाते, अभी उनको किसी को पता नहीं हलर क्या है, वो ऐसे मतलब बैलों पे मतलब उसको हलर चलाते थे, जोड़े चलाते थे, हल खेल रहे डबू से। तो खेती बाड़ी का वैसे हम काम करते हैं, अपना ही सारी खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो खेती बाड़ी का काम करते करते हम मतलब गाना भजन गाने शुरू हो गए, फिर मोहन भगत को आवाज़ सुना, हरचंद भगत को मैंने सुना, फिर शाह की वाई सीखे, फिर उधर से हमारा गाँव चौरा गुड़िए दरगाह उधर हमें गाते जाने की यार तो अच्छा गाता है। इधर से मेरे को लेके मीर खान भगत और छोटा योगी इन्होंने बोला कि भगत को रेडियो पे लेके जाए, रेडियो बड़ी बात थी। रेडियो पे लेके आए तो भैया अभी इनको रंगीनों में प्रोग्राम एक होता है लोकल प्रोग्राम जिसे नया को शौकिया पढ़कर आ जाते हैं, मेरे को बोला कि इसी में बाकी शाह की भाई सुना, मैंने शाह की भाई सुना जिसे भाई सुनाई ऐसे उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड करके साई को सुना साले मामी साहब, जैसे मैंने भाई उसमें रंगीनों में के साई साले मामी ने सुना यार ये तो भगत जैसे मोहन भगत गा रहे यार ये रे इनको रिकॉर्ड करो। अच्छा। फिर उन्होंने वीडियो वाले को बोला कि इनको अप्रूव करो, फिर मुझे अप्रूव किया रेडी, फिर मेरा को बोला मैंने के बोला भगत साई अब तेरे को मैं हिदायत करूँगा जे उसी में तो अमल कर तो मैं तेरे को हिदायत करूँ नहीं कर मैं भी साई तुम साई हो हम फकीर लोग हैं भगत है तुम जैसे बोलोगे करे और बोले कि भाई ठीक है एक तेरे को पैर में सबक देता हूँ जे तुम मैं तेरा नाम रखता हूँ भगत भोलेदास भिक्षक तू भाई पढ़ता है तेरा मैं ये नाम रखता हूँ और इन्हें में दो तीन चीज का आपको अमल करना पड़े, एक तो मांग किसी को बोलना किसी को बोलना नहीं दे मुझे गाने दे मांगना नहीं मांग के बारा नहीं करना और पैसों के लालच पे नहीं करना और कभी किसी से मतलब लड़ना झगड़ा सारों से मोहब्बत करना। और जैसे ये होटलों पे फनकार उठते मेरे को उस तरफ को नहीं रहना अपनी फकीरी रंग साइन आपका बस आशीर्वाद हो तो मैं ऐसे अभी तक तो बस उसी चीज को मैं निभा रहा क्या होगा। और आप आगे अब अपनी शागिर्द भी बना रहे हैं जी जी आपकी एक शागिर्द हमारे एक नहीं बहुत है इस वक्त तो आप एक लेकर आए हैं शाम भाई ऐसे तो लड़की लड़की 30-35 हाँ लड़की और शागिर्द भी 100 से ऊपर होगा मैं खुद शागिर्द हूँ तो मेरे को पता नहीं है क्या पर बस सारे लोग आते हैं भाई सीखते हैं आपसे हाँ सीखते हैं अब मेरा बच्चा है आप घर पे है तो मेरी इसके लड़का इसकी लड़की मेरे सारे सीखते हैं उधर इतने सारे गंगा बच्चे थे मुझे तो पता ही नहीं चला आपके कौन से भाई सेफ सेफ उधर दिखा रहे थे सेफ उधर उसको बेटा आया भाई अभी हंसो हंसो ये दिख रहा था दूर से सारे जानते हैं मेरा छोटा नहीं है ना
इसका लड़का आता है मसिंदिया या मसिंदिया सेफ आता है तो सारों को सुनाते आप सारा काम ऐसा था सबों का तो अपने अपने काम में मसरूफ थे। सेफ ने मेरा अपना ही काम शुरू कर दिया था बच्चों के साथ। सही चुलबुला इस तरीके से ना। सही तो गंगा आप गाते हो? हाँ गंगा गाते हैं। अच्छा ये आप सिखा रहे हो शुरू से? वो इसका सुर मेरा जैसे जितने मैं ऊपर गाता हूँ सात में आठ में इधर वो गाता। आप भी सुनाओ कुछ ना। बलहारी जाऊ रे मार सतगुरु मांगन आया बेवारी जाऊ रे धन गुरु मांगन आया बेवारी जाऊ रे सतगुरु मांगन आया गंगा गोमती माया सतगुरु मांगन आया गंगा गोमती माया मर निर्मल हो गई काया बेवारी जाऊं रे मर निर्मल हो गई काया बेवारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे हो वारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे मर सतगुरु मांगन आया सतगुरु दर्शन दीना मार भाग उदय कर दीना रे सतगुरु दर्शन दीना रे दीना मार भाग उदय कर दीना मेरे कर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊ रे वारी जाऊ रे बलहारी जाऊ रे हो वारी जाऊ रे बलहारी जाऊ रे मोर सतगुरु मांगन आया बेवारी जाऊ रे दास नारायण जस गायो नाम आशीष नमायो रे दास नारायण जस गायो रे गायो चरणों में शीश नमायो मार सतगुरु पार उतारे बेवारी जाऊ रे वारी जाऊ रे बलहारी जाऊ रे हो वारी जाऊ रे बलहारी जाऊ रे मार सतगुरु मांगन आया बेवारी जाऊ रे मोर धन गुरु मांगन आया बेवारी जाऊ रे। बहुत खूबसूरत क्या बात है बहुत प्यारी बात। ये कोई खातून गा रही है कोई क्योंकि कोई वारी जा रही है जी जहां वारी जा खातून जा हां खातून वो ये इसकी पुकार है। और ये किसका लिखा हुआ किसका? नारायण दास भगत से। अच्छा मेरा सतगुरु आंगन आया मुर्शिद आंगन आया घर पे मुर्शिद आ गया गुरु आ गया संत आ गया तो मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ हमारे घर पे गुरु आया। क्या बात है। या फकीर आया उसी को बोले कि मैं वारिस जाऊँ बल्लाहार से मेरा सतगुरु आंगन आया मेरे घर पे आया मैं वारिस जाऊँ। सतगुरु यानी मुर्शिद। अच्छा सतगुरु दर्शन दीना आकर दर्शन दिया मेरा भाग उदय कर हो गया मेरा कर्म भरम सब छीना मेवारी जाऊं। क्या बात। ये गुरु की महिमा है संत की महिमा है ये विनती संत की विनती। तो भगत जी मुझे ये बताइए मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ वैसे ज्यादा भगत जी से इसलिए क्योंकि इनका इनकी उम्र का एक तकाजा है जो कि मुझे लग रहा था कि शायद
असेस कर सके होंगे। इतना अपने एक जो टेक्नोलॉजी का देखा, रेडियो से ले फिर आप यहाँ पे व्हाट्सएपिंग अब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भैया चाय भी तो पीनी जरूरी होती है, आपको क्या लगता है आपकी गायकी जो आपकी भक्ति गायकी है उसमें उतार चढ़ाव आया है इस टेक्नोलॉजी के बढ़ने से? पहले हमारी जैसे रेडियो पे जाते थे या हमारे कैसेट थरपा थरबे जो थी नाग कंपनी जो उसी में हमारी कैसेट होती थी तो उतने तक बंद हो जाते थे, आगे नहीं जाती थी, तो कराची जा किधर भी नहीं ऐसे ही उधर लोग सुनते थे। अभी तो ये मोबाइल का यूट्यूब चैनल पता नहीं पूरी दुनिया में पूरे फोन आते हैं, पहले फिर हमारे गांव में उधर ही कैसेट की दुनिया थी, अभी तो ये आ गया ये तो पूरी दुनिया में आसान हो गया। हाँ, आपकी रसाई हो गई उस तक वो बस अभी इतना बहुत आसान हो गया। तो आप सुनते भी होंगे दुनिया भर का हाँ, गाना वगैरह म्यूजिक, तो आपको दिल करता है कि आपकी जो भक्ति गायकी है उसमें आप कुछ और भी रंग डालें? पहले आपने कहा कि आपने उस भक्ति गायकी को बदला नहीं क्योंकि आपके उस्ताद ने गुरु ने जो बताया उसको का उसी रंग में रखना है, लेकिन अब इतने सारे आपको सुनने में आते होंगे गाने, म्यूजिक के स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ, हर मुल्क का हर खित्ते का अलग स्टाइल है, कभी दिल किया कि उनके साथ मिलके कुछ लेकर आए? होता है बिल्कुल, कहते हैं कि उनके साथ कुछ मिलके काम करें, ये सारा मोबाइल का इंटरनेट का दौर है, कुछ सीखना चाहिए। मैं पहले पढ़ा नहीं हुआ कुछ नहीं पढ़ा, अभी मैं उनको थोड़ा सा सिंधी पढ़ना कुछ देख लेता हूँ, तो अभी इंग्लिश में भी बहुत मुश्किलें हुई थी उस टाइम में, किधर किधर हम मना इंग्लिश आती नहीं थी, जब से नो दो चीजें सीखे थे उसमें फंसे पड़े थे। एक बंदा मुझे ऐसे देखो प्रोग्राम पे वो बात करती है न्यूज वाली थी इंग्लिश में, तो मैंने कहा मैंने यस यस, उसने बोले कि सारा समझ रहा है मेरे को दो अल्फाज आते थे जस नो, वो तो पता नहीं था क्या है क्यूट बात आप बता हाँ सही बात बता बहुत प्यारी बात है ये, ठीक है तो वो ना उसके लिए सारा समझ ऐसे मुझे लेके पीछे मैंने कि वो पता नहीं क्या बोल रहे थे मुझे तो पता नहीं, यस यस ऐसे करते मैं जा रहा था गाड़ी में, हमारी गाड़ी खड़ी थी हम लोग जाए इधर हमारे बजाने वाले सर बैठ गए, वो बोले ये आ रहा नहीं है, इतने मैंने अगर उसको मैंने कहा बहन मेरी हाथ हाथ छोड़, वो को 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 पता नहीं क्या बोल दिया लड़ना शुरू किया, वो हमारे बंदे बोले क्या हो गया, मैंने कहा सिंधी हमें सिंधी लोग हैं तो हमारे सर पे हाथ रखते हैं सर पे हाथ रखते हैं, वो बोले ना फिर उन्होंने इंग्लिश में उनको बताया कि भाई इनकी जो बहन या लड़की होती है उसको हाथ लगा था तो ये अपने सिंधी लोग, फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छा, फिर बोले दौड़ के मेरे को रखकर मैंने कि दो दफा तीन मेरी जान चली गई तो मैंने कि आपको बोला इंग्लिश में दो अल्फाज दो मैंने सीखा यस सुनो सारे यस ओके वो भी करते हुए हम सही सही तो फिर मैंने कुछ ना कुछ उसके बाद भजन गाना सीधे में कुछ हिंदी भी सीखा, अभी थोड़ा हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, हिंदी पढ़ लेते हैं मुझे नहीं आती हिंदी पढ़ने, मुझे बहुत फिर लतीफ से एक फकीर था इस्माइल शाह, उसने मेरे सुना बोले यार भगत को लाहौत मिले, तो उसने उधर से सेफ वालों को कैसेट सुनाई या क्या सुनाया पता नहीं, उधर से मेरे को फोन आया मोनी का भगत जी आए हमारी कंपनी में आपको हम मंगवाते टेम दे, हम गए उधर पहली मुलाकात हुई, वो हमने ऐसी महफल थी उसमें करके फिर इसने मेरे परसेंट तरफ से मंगाए, अंग्रेज आए थे दूसरे मुल्क को आए थे हम गए पहले पहले, अभी उनके बेटा को भागा साई अभी सुनाओ इंग्लिश साधु से गाना गिटार का, मैंने गिटार का गाए ना भाई तू गा हम करेंगे पीछे क्या सुना क्या, मैंने फिर मैंने कि ठीक है आज मैं शाह के भाई सुना तो सुना मैंने सुना आंखों जाना के दाही मुझे तन तन पता है जो लाऊ थे मैंने पहले भी रिकॉर्ड सही, इसने म्यूजिशियन बना के गिटार सिटार सारे लोमी वाले तैयार हो गए भाई ठीक है तू गा, मैंने तंबूरी थी तंबूरी जैसे मैं अपने रंग पे का वो सारा मेरे इकट्ठा हो
उसने मिला दिया सारा गिटार ये सारा मंजर ये तो अच्छा लग रहा है। वो बोला अभी तो रिकॉर्डिंग करेंगे। मैंने कहा सही करो करो अभी रात को रिकॉर्डिंग करेंगे मच कचा गर्मी की मौसम हो मच कचा अभी मच कचा है। उनने लकड़ियां मंगवा के ऐसे उसे सारा सेब के घर के नीचे उधर से आग जलाई। अब हमारे को कुर्सी पर बिठाया इन्होंने। मैं नया बंदा मेरी जान पहचान ली सेब से नहीं है बड़े लोग पता नहीं क्या। अब हम सारे वो आग जला रहे मैं उधर बैठा ओ आपको जाना के दाजी मुझ तन ताने तेरे आग इधर मेरे पाँव जलने लगा। अभी बोले क्या करे और वो सेब लकड़ी डालता रहे आग भरती जाए और हम मेरा पाँव जो सड़ता जाए बड़ा भर रहे अभी आदमी कलाम छोड़ता हूँ मैं खराब हो जाए वो इतना मेरा वो इधर से पाँव जलने लगा हुआ फिर मैं मेरा कलाम पूरा कर फिर मैंने कहा साई मेरे भाग गया क्या मेरे साई मेरा पाँव जल गया। अरे ये हमको तो पता नहीं लगा हम तो मदोश हो गए तुम ये गा रहा था हमने आग लगा लगा कर वो तेरा नौकर तीन चार बंदे लगे साई मेरे को मैंने बोला तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो गया उस दिन मैं चुरा दी यार तू तो तेरा सर ही सारा सड़ जाता था। मैं ये क्या करे ये सिर्फ पूछना ये मेरे से उसने किया था पहले जब मुझे भाया बहुत मेरे को फिर उसने हमने कट्ठे गाए मेरे पास आया घर पे हमने ये लावती में सुर राम कली का सारा इन्हें सुर सीखा कैसे सीखे मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं ये जानता कि यार ये अच्छी तो जो भक्ति हमारे स्टार था शाह की वाई पर तो वो सीखी फिर कच्ची गाय जोगी दादी जात ये सारे मन हमने साथी ने सेनी मनी जाता भी होते लग गया। फिर मोरे वो मेरे को बोला चलेंगे कोक स्टूडियो हाँ कोक स्टूडियो क्या था हम तो टीवी पे जाते सिंह टीवी पे केटिंग पे जा रहे कोक क्या पता नहीं था कोक क्या हाँ। ये मोर बुलाएगा आओ भाई चल मेरे पास जाओ मेरे घर पे आ अभी तो रात गाना पक्का करेंगे चलो भाई लेके आया मैंने कहा इधर भिंडी लगाए तुरी लगाए ये लगाए अरे तेरे को भिंडी तुरी की लगी पड़ी है ये कोक स्टोर में जाना है मैं हाँ सर ठीक है मेरे अभी वो मेरे को लेके मुंह में गिटार लेके बैठे भाई गाओ प्राण तो बिना रात तो क्या कर रहा है ठीक है मैं तेरे पास जगता लगे मैं नाच लूंगा अरे नहीं तेरे को गाना है बेहतर राणे ने सुना मैंने कहा ठीक है राणे बैठो रात नौ ले आप आयो हाँ ये सही सही मैंने कहा ठीक है करो कि साहब साहब लेके जा रहा भले गाड़ी में बैठना मेरे को क्या इधर आया कोक पे देखो तो सारे सारे बजाने वाले थे सारे इंग्लिश में यार मर गया अब है टक चल रहा है मेट्रोनोम मुझे नफरत है मेट्रोनोम चार एक दो तीन चार हाँ। हाँ। उसी में तेरे को गाना फंस गया मैं बंदिश आ गई ना बंदिश अब उससे मैं एक भी थंब नहीं छोड़ सकता बिल्कुल जैसे तैसे कुछ करके निभाया क्या भगत जी इतनी आपकी तान पक्की है उस मेट्रोनोम की कोई मजाल कि आपको सम छोड़ पाए नहीं सम मैंने तो मैंने अपने रंग में मैंने कहा मेरे को बोला तो अपने रंग में बस कर लिया मैं जैसे मैं करता वैसे कर लिया सही बस उसी में फिट हो गया आवाज हां ये पता मुझे पता नहीं लगा पर हो गया वो इसलिए आपको पता है क्योंकि आपके दिल से निकल रहा था आपके अंदर रोम रोम में रचा बसा है गाना म्यूजिक वो मेरे को बड़ा पार्ट देना सिर्फ अभी मैंने कहा सही इतने बहुत मेरे लिए ज्यादा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इतने मेरे लिए बहुत मैंने कहा ठीक है वो फिर पता लगा सारा वो भगवत था तो कोक का फिर मुझे एक फिल्म पाकिस्तान केक उसी में शाह की भाई इसमें सही फिर उसी में कोक स्टूडियो में ये सुना फिर सारे लोग बड़े भाई तो कोक का फनकार है ये यार कोक की बड़ी ऐसी लाहुती का साईं तो अभी लाहुती का इंचार्ज है नहीं लाहुती भाई हमारा घर का ये चल जाने हम तो लाहुती के नौकर है नहीं सब कुछ ही लाहुती ने दिया सेफाल में इतना जिधर किधर किधर घुमाया सारा उसने किया
और दूसरी शरारत सदैव को बोलना मेरे कैसे की आपको पता है कहानी। मैंने बोला सैफ साईं तू जाता है लंदन मुझे लेके चल। हाँ तू लंदन चलेगा? इतने में कहा कोक स्टूडियो वाले लेके जाते थे इस्लामाबाद, वो अपने लाहौर। उसने मेरे सैफ ने हो भगत ठीक है, और सुबह तो आ शाम को रात मेरे पर कल जाएंगे अपने लंदन। लंदन मेरे घर वाले मैं भाई मैं लंदन जा रहा हूँ। सैफ ने मुझे बोल दिया लंदन जाना। अभी मेरे क्या पासपोर्ट मेरे पास है साई मैंने के पास, मैंने कॉल की मैंने साई पासपोर्ट मेरे पास कि वो उधर ऑनलाइन अभी सारा सिस्टम है। हाँ ये उधर जाएंगे उधर पास वीजा लग जाएगी ठीक क्या साई। अभी हम जैसा इसने सैफ ने बोला तैयारी में हाँ था बैग सेक लेके कितने जोड़े ले, अरे कि जोड़े एक दो लेकर बहुत है उधर बहुत तेरे को सूट बैठ देंगे ये देंगे वो देंगे अपना जगतार लेके आ। सही ठीक है मेरे जगतार लेके पहुंच गया उधर पीछे सारों को यहाँ पर जोगी बन गया मैं लंदन जा रहा हूँ। लंदन लंदन जा रहा हूँ सेफ समझे के साथ जा रहा हूँ लंदन। अभी आया इसने नो मी सारा इकट्ठे होकर बोला भाई भगत साहब लंदन जा। हाँ हाँ इसने एहसान बारी को फोन करके बता दिया भाई भगत आ रहा है उनको बोला कि हम लंदन जा रहे हैं। सारा जी म्यूजिशियन वाले कोपर सबको बता दी मुझे पता नहीं। हम तो जैसे जाए एयरपोर्ट पे सिर्फ की गाड़ी हम उतरे भाई जले हम अंदर गए कभी जहाज में बैठा ही नहीं हुआ था जहाज क्या होता है। अभी ये बैठे हमने ये लोग बोलते थे उठता है ना से तो डर लगता है ये ठीक है। अभी सारे भगत कहाँ जा रहा है ये आके मेरे को मेजर उतरा ना ऐसे एहसान बारी है अगर यार तुम तो खुश नसीब लंदन जा रहे हैं। हाँ यार सही अभी मेरे को शक्कन हो गया वो बड़े वो तो फोन करके सेफ ने सारे को बता दिया। अभी मुझे पता नहीं हाँ जहाज में बैठे हम जा रहे हैं बात करते करते एक घंटे या सवा घंटा लगा हुआ लाहौर में जाके जल्दी आ गया। मैं भी यहाँ हम सुने के 16 कलाक लेते जहाज इधे घंटे यही रेस पे सिर्फ जा ये स्पेशल जहाज है ये एक घंटे में पहुंचा दूसरे 10-12 घंटा 15 घंटा भले ये स्पेशल जहाज है ठीक है। मैंने कहा लंदन ऐसा बेचारा तो नहीं है जैसे बोलते सारे लोग। अभी गाड़ी में लेके एक मेरे को पीसी होटल में लेके चला गया पता ही नहीं लगा दो दिन मुझे लग गया तो मैं लंदन में मैं लंदन में है कैसा बन गया लंदन। और मेरे को यकीन है वाकई ये मैं बैठा हूँ ऐसा और पीसी में सर नीचे उतर उधर खा के और ऊपर सो जाए बाहर तो निकलने देर पता नहीं देखो लाहौर में है। और रात को अभी उधर खाना में खा के अभी उसने बोला एहसान भारी सब साहब चल रहे खाना खा के कहाँ क्यों हो यार मैं इधर लकड़ी की होटल है बहुत खूबसूरत है खाना बहुत अच्छा होता है चलेगा चलो 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 भगत साहब। हम बैठे दूसरे तीसरे दिन गाड़ी बैठ के जा झंडा सारा पाकिस्तान लगा बड़ा है वो सारे उर्दू बात कर रहे हैं ये लंदन कहाँ से है इतने वो गाने बजाने हम तो होटल। मैंने एक बंदे साई कौन सा शहर लाहौर अरे साई तेरे मरवा दिया लंदन लेके आया फिर तुम्हारा लाहौर में ये सेफ ने मुझे सीन किया। ये सही अब आप दोस्तों साथ कोई शरारत करें सोचें क्या हो सकता है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो हमारी शागिर्द आपकी बैठी हुई है श्याम भाई बहुत यूनिक नाम है और बड़े मजे की बात है कि एक मर्द खुदा के जिन्स के उस पे आपने इनका नाम इनके वाले साहब ने रखा तो सबसे पहले तो बताएं क्या सोच के इनका नाम आपने श्याम भाई रखा। अच्छा ये छोटी थी ना तो ये बस पूजा करती थी मंदिर में ऐसे हाँ। इसका जो मन है ना उसी में लगा रहता सही हम इसको बुलाएं तो कभी आवाज देती नहीं तो उसी में लगी रहती। अच्छा फिर आस्ता आस्ता इसने बोला मैं भजन ये गाना सीखती हूँ अच्छा मैं गाता था ये पास में बैठी हुई बोला ये भी सीखती हूँ मैं ऐसे करते करते अभी जो लोग हमारे में रिश्ता लेके आते रिश्ता लेके आते हैं तो ये बोलती है मैं शादीशुदा नहीं बनूंगी ठीक है मैं ऐसे ही ठीक सही
ठीक हूँ तो इसका श्यामा नाम था, हमने श्याम बाई लगा दिया, भगवान की भक्ति करो और इसी में लगी। सही, जैसी मीरा हमारी मीरा है, मीरा बाई। हाँ, तो ऐसे ही इसका मन जो है ना उसी में लगा रहा। फिर आस्ता आस्ता इसने भजन हमारे से सीखा। सही, सीखते बाजा बजाना थोड़ा सीखा इसको। फिर ऐसे करते करते अभी सीख के और आगे बढ़ते बढ़ते संत मिल गया भूरा लाल। अपने हो जाता है। हाँ। फिर इसके पास गए, थोड़ा काम सो है, ये वाई है जो कलाम जो है। भजन गाते थे, मैंने कहा तुमको आगे निकलना है, चलो तुमको दिखाए कि बड़े बड़े प्रोग्राम में निकलो। हाँ। तो इनको दूसरे लोगों ने बहुत बोला कहाँ लेके जा रहा है ये, फिर इसमें भी किसकी नहीं मानी। ठीक है, फिर प्रोग्राम में लेके जाता। आपको सामना नहीं करना पड़ा लोगों की बातों का? बहुत सामना करना पड़ा। हाँ, लोग हमारे पे हंसते थे, बोले ये लड़की को कहाँ ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, ऐसे ऐसे। हम किसी के कहने पे नहीं चले। सही। हम अपना रास्ता जो है ना वो ही लेके चल रहे हैं। सही। और हमारे ऊपर जो भूरा लाल है, इसी ने भी दया कर दी, अल्लाह ने भी दया कर दी, जो हमें इधर वसीला है। वसीले ही होते हैं, वसीले होते हैं। किसी के मतलब इंसान की सेवा करते हैं। हाँ। हमारी भी सेवा करे। हाँ। तो हम तो सेवा करते ही आकर उसका नसीब है, अपना अपना नसीब होता है। और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है दुनिया में। हमने देखो ऐसे करते अभी इस टाइम पहुंच गए, अगर बराड़ी के लोग गाय भैंस चराने वाला बकरी कोई नहीं। मैंने फिजिकल में बनना है, एक ने मुझे कोई ऐसे ताना दिया, तू यार क्या तू रेडी पे जाएगा तेरा ये। मैंने क्यों तुम जा सकते, मैं नहीं जा सकता। फिर मैंने लगन से काम वारन साहब ड्रामा की बहुत पहुंच गया। जब आगे बढ़ना शुरू होते हैं भगत जी तो टांग खींचने वाले बहुत निकल आते हैं, वरना उससे पहले सिर्फ ये कह रहे होते हैं कुछ करके दिखाओ, कुछ करते नहीं हो, कुछ करते हैं, इस तरह की बातें सुनते हैं। ये तो है, ये दुनिया का दस्तूर है। और कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में, काम जो भी करे कि बोला ये करना तो मालिक उसकी सहायता करते, उसी पे अमल करो, उसी को काम पे ये मेरे को सीखना है तो वो सीख सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं श्याम भाई आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर इनको समझना है तो बता दीजिए सवाल कि भजन गाने में और भक्ति गायकी में आपको क्या फर्क महसूस हुआ? भजन गाने में बहुत अच्छा है, भगवान का भजन गाती है बहुत मजा आता है, ईश्वर से लगन लगती है। हाँ, दिल से गाती है। और भक्ति और भजन गाने में दोनों मिल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेल दोनों में, लेकिन फर्क क्या महसूस होता है कि अगर भजन गा रही हो और भक्ति का गाना चल रहा है तो दोनों का वो क्या है, मुआजना अगर करो तो क्या होता है? कुछ मैं कभी अभी तक अभी सोचा है इस पे भी सोचा नहीं है, क्योंकि एक वक्त होता है जब आप इस पे सोचते हैं, अगर नहीं सोचा तो कोई बात अभी शायद सोचा नहीं सोचा, बस इतना मजा ही। हाँ, दोनों को मिला के गा रही तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कोई गा के सुनाओ दोनों को मिला के, कुछ समझ आए ताकि हमें भी। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं चरण पड़ी तेरे चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया कर लगा
क्या बात है। बहुत डूब के गाए हैं, मुझे भी रुला दोगी अब, ऐसे नहीं करो। नहीं, मुझे अंदाजा हो रहा है कि जब आप दिल से बहुत भर जाता है ना जब अंदर आपके संगीत, तो आपको ऐसा एहसास होता है। बहुत बहुत खूबसूरत आवाज है, बहुत अच्छे सुर, आपने बहुत अच्छा तैयार किया इसकी गले को, माशाल्लाह बहुत मजा आया सुन के। तुम कभी लोगों की आवाजें तुम तक पहुंचती हैं, कोई बुरा कह रहा हो या कुछ कह रहा हो, तुम तक आती है कोई आवाज? हाँ, कोई कहता है, मैं गाती हूँ तब तो नहीं सुना ही था, भगवान की चिंता होती। सही, पर जो बैठी होती है ऐसे भी कोई बात कर रहे थे, मैं नहीं सुनती नहीं के नहीं तो जी भी के नहीं। बहुत अच्छी बात है, यही सही है। जिस जगह जिस रास्ते पे चल रही हो उससे ज्यादा क्या कहेंगे, प्योर जिसे कहते हैं ना, पेवर, उससे ज्यादा पेवर और कोई रास्ता नहीं है, उसमें बहुत बहुत सच्चाई है। तो ये तुम्हारी आवाज भगत जी आपकी वजह से हम तक पहुंची है, और ये बड़ा अच्छा है इसके बच्ची के लिए। और भी आपने जितने शागिर्द खवातीन, आपने कहा आपके पास 35 लड़कियां सीख रही हैं, 35, ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसे 10-15 तो आ गई हूँ, जैसे शम्मू भाई है, हाँ, अमरी भाई है, ये शाम है, ये गंगा भक्तानी है, ये तो मतलब थोड़े ऊपर आ गई है मीडिया में, ये वो दूसरे ऐसे है अभी बेचारी घर पे बैठी भजन गाती है। हम तो भाई बोलते हैं भाई जो हमारा फकीर हो गए हम देते हैं, हाँ। चलने चाहो तो हमारे साथ चलो, हाँ। अब वो एक दो प्रोग्राम करके फिर अपना अपना गाओ भाई, अपने अपने रोटी रोटी जाओ, मालिक जो जितना इज्जत दे जाओ, हाँ। हाँ। ऐसे हम मना, मैं गाता हूँ शाह लतीफ जो मैं मशहूर हुआ भगत बुरालाल ब्रिटिश में शाह की भाई से, सही, जैसे मैंने पहले सालेह मोहम्मद शाह को सुनाई थी रेडियो पे भाई, उसने मेरे मुझे बहुत आगे लेके गया सारे लोग पहाड़ी में, सही भगत साईं ये उनकी फरमाइश भी बहुत करते हैं। आपके साथ की अब सास जो बजाते हैं, आप हारमोनियम उसको कांजीरा कहते हैं, मैं भी बेवकूफ हूँ। कांजी राम, कांजी राम बाजे मास्टर है मेरे साथ, अच्छा। है। और मेरे साथ है मेरा ये सुंग होता है ना हमारा, हाँ। ये मंडली, हाँ। मंडली का हमारा ये सरवान है, अच्छा। मंडली का सरवान वो क्या होता है? ये हमारा मंडल अच्छा आदमी, हाँ। मतलब बाजे वाला उस्ताद होता है सारा, हाँ। चीज ये तंबूरा में बाजे पे चढ़ता है, सही। और जो भी साध है गिटार सितार, हाँ। सारे ये हारमोनियम पे चढ़ते हैं, सही। तो हारमोनियम सबका उस्ताद है, बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद है, तो सरवान ये हमारा उस्ताद हो गया, ये हमारा उस्ताद चंग मास्टर है, बहुत चंग बजा था, जिसे अरगोजा भी कहते, अलगोजा दूसरा चंग ऐसे जब ये इनका ताल्लुक थर से, अच्छा, और नंगर पार्क के साइड से थोड़ा इस तरफ दाना दाना धांधल से, ये ऊपर चल के भिटू पे बस ये चंग बजा। तो आप लोग मिले कैसे इनसे? बस ये आ गया हमारे इधर मोहब्बत में आ गए, घर बार छोड़ के, हाँ ना, उधर दुखी आए इधर, बीवी से मोहब्बत नहीं है तो भगत जी से मोहब्बत है, बीवी को छोड़ के आ गए, भगत जी क्या कर दिया, खानदान जुदा करा दिए, हमने तो कुछ नहीं किया, ये संगत मोहब्बत करते हैं। सही सही, नहीं अभी इधर ही आ गए, साथ लेके भगत के, बस फिर तो ठीक है, फिर तो सही है। अभी ये कौन है? हाँ। अभी तो आपको मैंने बताया नहीं, हाँ। ये दो भील है, भील, अच्छा, भील लोग, और हम ये सारे कोली, अच्छा, कोली वाले खानदानी, हाँ, हाँ, पता है, हम उसी में कोली है, ये भील है, पर किसी को पता नहीं है कोली है भील, सही, हम भाई। मुझे लगा आप लोग मंगलाड़ उससे, नहीं, वो कुछ, वो कोई और नहीं, हम भक्ति, मंगलाड़ तो वो संगीत का बड़ा उस्ताद होता है, अच्छा, क्लासिकी, ये वो तो हमके पास, मेरा उस्ताद है संगीत का, वो बहुत मुझे सीखा है, मेरे को उसी का शौक भी नहीं, मैं फोक रंग हमारा जो है, अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग ठहरे, मंगलार कुछ और तरीके का गाना गाते हैं जी, अच्छा, और आप लोग, मुझे समझना है इस बात को, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि
ना समझ में मेरे को गलत बात ना, ना तो आप लोग जो हो वो भक्ति गाते हो गायकी और मंगरार पे क्या गाते हैं? मंगरार क्लासिकी का क्लासिकी गाते हैं। ठीक ठीक क्लासिकी उस्ताद राग ये वो। अच्छा अच्छा तो भक्ति में भी राग होता है? हाँ हो बिल्कुल होता है राग तो हर चीज में। अभी वो भी हमारे साथ होता है बजाते हम गाते हैं पर वो क्लासिकल है और आप भक्ति हैं। बड़ा काम है हम तो इतना सीखे नहीं है अभी तो सीख रहे हैं पर फोकरंग हमारा है ना वो बस मुझे मजा आ जाता बिल्कुल खुद हम नाच कर होते हैं अभी यदि मैं भजन गाते गाते खुद हो जाता सही फिर दूसरा बोले भाई पूछो मतलब अंदर से जो आवाज आती है तो फिर तार के सुर से बन जाता है। मेरे उस्तानी ने जब मेरे एक साल पहले मेरा वो लिया ना इम्तिहान जिस तरह आप लेते हो कि बनेगी मेरी शागिर्दियां नहीं तो उन्होंने मेरी आवाज को सुनकर उस वक्त तो बहुत कच्ची आवाज थी तो सुर भी पक्का इतना नहीं था तो उन्होंने कहा मैं मुझे पटियाला गायकी से पहले सबसे पहले सिखाया गया था मुझे मजा नहीं आया था पटियाला गायकी का वो मेरी आवाज पे बैठ भी नहीं रहा था लेकिन जब इन्होंने आवाज सुनी मेरी तो उन्होंने कहा आप मेरे घराने में बैठ जाएंगी आपकी आवाज का ये है रचाओ। अब मैं कभी फोक गाने की कोशिश करती हूँ मेरी आवाज में रचता नहीं है आप भक्ति कोई गाने की मुझे बहुत शौक है मैं मीरा का भजन गाऊं ये क्या मेरी आवाज अज्ञा में एक खास किस्म का उसके सुर हो तो चलता है लेकिन आप लोगों की आवाज है ना जिसमें रॉ है इसकी कितनी खुली आवाज है ऐसे लग रहा है दूर तक सहरा में चलती चली जाएगी मेरी इतनी खुली आवाज नहीं है तो मुझे बड़ा कभी कभी दिल होता है कि यार इस तरह से कैसे खोल के आवाज गाऊं फिर आप भी देखें आप बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज में एक वो है रॉनेस जिसे कहते हैं ना एक खारापन है एक नमकीनपन है वो बड़ा पता नहीं क्या बात है सबके लोग ऐसे बोलते हैं ऐसे बाहर जाती है और हमें देखिए मैं आपको हमारा जब मैं हिंगलाज का शाह अब्दुल लतीफ बेटा जिसे पैदल गया था ना हिंगलाज वही में पढ़ता हूँ सही वही आपको मैं सुनाऊ जब लतीफ मना गया हिंगलाज के नानी को गया था दूरी अच्छा ये कहानी सर पहले थोड़ी सुनाए क्या है ये लतीफ सरकार जो हमारे संत साधु फकीर आते थे जूनागढ़ गढ़ गिरनार से इंडिया से सारा एक ही था जब वो आए हैदराबाद में गंजा टक्कर काली माता का मंदिर है उधर आके बैठे तो लतीफ ने देखा यार ये बैठे कौन है कि यार सामी फकीर नानी पे जा रहे हिंगलाज तो इसने बोला कि यार क्या सामी सच्चे हैं कूड़े है क्या है ये ढंग है या सच्चे सामी है क्या है फिर लतीफ ने उनको मैं उनको सारों को बोला मैं जाके देखूंगा तो ये कैसे लोग हैं कि वो आके बैठा उनके साथ फिर लतीफ ने उनको दुआ दिया है कयम कापड़िन जी पेरे दी प्रभुड़ पहले दिन की प्रभुड़ मने कयम कापड़िन जी पेरे दी प्रभुड़ सगा सायत ना हेकड़ी चारे पहर चूर सदाई सैयद चले आए सन्यासी में सूर हिन जोगिन साण धरु लिखा इन्हीं के पास कुछ तो है जब बेटा यही वैरागिन जो बेअी बुद्धम हाल दूसरे दिन यही वैरागिन जो बेअी बुद्धम हाल तिन जा धागा धूड़ भकलिया जागोटा दुआर उन्होंने जाने जटाऊं छड़ियों चोटा चंगी चाल विचारा विजूद जी कैसा न कनगा विजूद जी विजूद अंदर की बात किसी को नहीं बताया बेचारा विजूद जी कैसा ना कनगार नागा थी निका लोक वो तीसरे दिन कुछ पका के खाते थे कोई चावल डाले दूध में या कुछ भी नहीं टेडी चिमकाइन दुयू दायरे में मेड़ो कुछ काटू था जोगी जलायन संधि खामन खबरू आदे सिनायन जे गुजो ना गलायन लिखा भुन लोक फिर चौथे दिन चौगान में कैजे पा पिया वहम प्रिंजा वडिया ते में कूड़ क्या अचन आधे सिन के अंदर जोंस जिया सामी सोन क्या लिखा तुम लोग ऐसे तीस रातें हैं हाँ बहुत ही किस्सा लंबा है तो इसे मैं भाई में सुनाता हूँ जोगी जोगिन सत्संग हे मुझा मोया भजन प्या मना है मुझे आया ले मामू
संग खाए मुझी जी चल मामू जो जोगी रल सासंग जोगी न जुतियों हथन स्वामी जोगी नानी पे ऊपर गए तो सारे दूध ऊपर से डाल रहे पत्थर पे। सही नानी पीरी नहीं। लतीफ ने बोला यार मैं इतना प्यास इतने सच से सारे लोग जूनागढ़ से कहाँ से जा रहे और नानी तो ये दूध भी नहीं पीती हमारे हाथ से का ये क्या है भाई ये सिंह मैं तो अपने हाथ से दूध पिला नानी भाई मैं इतने दूर से आया नानी तेरा मुख खोले दूध पिला दूध पीना पड़ेगा पत्थर की मूर्ति का तो पत्थर की मूर्ति ने जैसे लोटा इस ऊपर का तो मुँह खोल गया तो दूध पिला स्वामी जोगी ने देखा ओ ये तो बड़ा करामत हुआ मौजा हो गया उन्होंने बोला कि भाई ये तो दूध नानी को पिला दिया है हम सारे डालते थे ऊपर से नानी हमसे बोलती नहीं थी इसका मुंह खुल गया फिर उन्होंने बोला कि हाँ उसी टाइम पे इलम का दौर था बोला कि अभी इनको ऐसे करे इसको इसको मार के इसकी इसकी खा जाए आप तो इनका इलम सारा अपने पास नानी को मार के नहीं अच्छा बोला इसने नानी इसके ऊपर इतनी प्रसन्न हो गई है अभी इनको मार के तो इनका आप सारे बैठ के खा जाए पका के खा जाए तो सारा इलम इसका अपने पास सही लतीफ ने देखा उसको पता लग गया अभी मुझे मारेगा फिर उधर से इन सुरंग बन गई टूबी लगाई उधर से आगे भिक्षा निकला अच्छा अभी कोई बोलता है ठट्ठे पे कोई बोलता है उधर भिक्षा पे बैठ के निकला सही अभी उधर नानी पे इसका सुरंग है कोई भी जाए हिला जाए अंदर वो गर्भ खुलता है फिर अंदर सुराग कोई को पता नहीं कितना कहाँ जाए किसी को पता नहीं अभी लोग जाते हैं बड़े से ऊपर ऊपर घूम के आ जाते अंदर कोई भी नहीं जाता अंदर तो किसी को पता नहीं कितना है ये कहानी बताइए क्या मजे की कहानी है और इसमें कितना वो है जैसा हमारा अपने बड़ों से प्यार अपने रिश्तों से प्यार उसके उनके लिए मेहनत करना जैसा ये अपनी क्या कहते हैं जो हमारी सकाफत है उससे करीब होना हाँ
ठीक है, तो हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप लोग एक और मुझे अपने करीब, दिल के करीब कोई भक्ति की गायकी है जो सुनाएं, कोई कलाम सुनाएं, जिससे हम फिर आपकी आवाज पे इख्तिताम करें इन बातों का। कभी तो सुना बाहर क्या बात के ऐसी आग लकड़ी में कीजिए, लकड़ी की एक लकड़ी छोटी सी इधर सुराख बना के आग निकल जाती, बिना घसी आग कैसे निकल, ऐसा ऐसा ज्ञान हृदय अंदर की, गुरु बिना ताला खोल उससे दिमाग लेगा नहीं, पता नहीं है कैसी बात करनी पड़ती है। ये तो हमको अपना अपना फकीरों का या सारों का अपना अपना तरीका होता है, सूफियों का अपना तरीका होता है, है तो सारी बात एक ही कर रहे हैं, अपने अंदर भीतर देखना है। सही, बहुत बहुत मजा आया आपकी बातें सुनकर, और आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी वरना मैं सारा दिन आपको बिठा के बात करती। मुझे सख्ती से तनकीद की थी फवाद ने कि प्लीज 2 बजे तक नाप आप भिजवा देना इनको, तो मैंने उस साई को पूछा था, मैंने कहा आप बोलो मैं जा रहा हूँ, फिर देर से रुकी, मैं हमें इनको बोल दिया तो जा। वो मेरे साथ रात हम देर तक साथ ही बैठे हुए थे तो बता रहे थे मुझे कि आप ही की बातें, आप लोगों की बातें कर रहे थे हम थिएटर में, किस तरह आप लोग गा रहे हैं, जिस तरह श्याम भाई आती हैं
जो निकलती है ना पर्दे में से, इतना अच्छा वो लगा था, इतना मजा आया, वो ऐसे लग रहा है जैसे उस जो रानी है उसकी दिल की आवाज निकाल के बहुत अच्छा लग रहा था। हमने बोला कि साईं इसी को आप चले, जो इधर वजीर अला का मिनिस्टर है उसी का पिए था, मेरे पास आया था देखने के मुझे फोन, मुझे कि कृष्णा है सेनेटर हमारे, वो जैसे मेरी बहन है। उन्होंने बोला, इसका भाई ने बोला वीर जी मिलने गया भगत साई है, मैंने कहा फिर स्वास साहब से मिला है। अच्छा हाँ, मैंने उन्हें देख सिर्फ यार इतना खूबसूरती है, खेल है, मुझे हैरत है इधर ही इतने लोग क्यों ऐसे, ये चलो लेके उधर मिठी बात मजा आएगा। मिठी में करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वाद बोला अभी तो काम करेंगे, बोले इधर करो बाहर लेके जाओ जहाँ भी जाओ, हम तो यार साथ हैं, तुम्हारे सबके साथ हैं। सही सही, नहीं हाँ आप लोगों का साथ होता है तो अगला बंदा कुछ कर सकता है, भले जो भी करो एहसान ने बोल दिया, मिलके होता है ये सब, हम जो आप बोलोगे ना मिलके कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, मुझे तो खैर मैंने आपके गाने सुने और फिर उस दिन मैंने आपको, आप लोगों के गांव भी जब मैं आई मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत बरसात हुई थी, हमने तीन चार बार प्रोग्राम कैंसिल किया, अभी बारिश इतनी हो गई, अभी तो बिल्कुल बहुत घने ज्यादा हो गए। सही, सेब ने बोला कभी आगे टाइम नहीं है, फिर भगत मैंने कहा ठीक है। हाँ उधर परेशानी थी हमके, फिर किसी को पता नहीं लग रहा क्या, उधर गाड़ी अपने बाहर खड़ी, सेब को बोला मैंने जगह नहीं, सिर्फ आगे जिधर जाना था झील पे ऐसे वो जगह नहीं थी, बंद थी, मैंने उधर नहीं जा सकते। हमने सोचा कुछ और हुआ था इसके लिए फिल्म के जो बना रहे थे हम, लेकिन फिर खैर आपका गांव इतना खूबसूरत था, हमने उधर ही बहुत सारी चीजें निकाल ली, इतना मजा आया, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे ये जो हम बैठ के एक बैठक की तरह की तरीके से बात हो रही है, ये इसीलिए आप लोग तक लाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनकी बहुत रूरल सेटिंग्स होती हैं, ये हमारी तरह अर्बन शहरी बातें नहीं करते और इनकी बातों में बहुत सादगी, बहुत प्यार होता है, बहुत ज़मीन से उनका लगाव होता है, वो जुड़े हुए होते हैं। हम ज़रा हवा में मोहल्ला के हैं क्योंकि हम लोग अब फ्लैटों में रह रहे हैं, तो ख़ास तौर पे मुझे लगता है ये कहानियाँ आप लोगों तक आना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम अपने घरों से निकल कर 20 कदम के फासले पर भी जाकर किसी से मुलाकात कर सकें, तो उम्मीद है कि ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये जारी रहेगा और आप तक इन जैसी प्रेशियस स्टोरीज जो हैं वो आती रहेंगी। हमारे साथ रहिएगा, हर हफ्ते हम आपके लिए कहानियाँ निकालते रहेंगे, बातें लाते रहेंगे, नई नई गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।